कि परम पिता परमात्मा सृष्टि का प्रवर्तक है, परिवर्तन करने वाला है, आरंभ करने वाला है, और न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वे तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। जो वस्तु जहाँ पड़ी है ना, वो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, और जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी जब तक वो रुक नहीं सकती, जब तक कोई उसको रोकने के लिए बल ना लगाए। एवरी ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मेशन विल रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब जो जिस स्टेज में है ना, वो उसी स्टेज में रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स ना करे। अब ये संसार, क्योंकि इस नियम को देख करके आया कि संसार चल ही नहीं सकता यदि कोई इसे चलाए ना, तो सबके सामने एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठ करके फर्स्ट टाइम जब ये न्यूटन ने ला दिया, तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि न्यूटन का कोई ये ला नहीं है। न्यूटन ने तो केवल इस लॉ को पहचाना और हम सबको बता दिया वास्तव में ये नेचर का ला है, गॉड का ला है, एक यूनिवर्सल ला है कि बिना एक्शन के कोई कार्य नहीं हो सकता, पर क्रिया की ही प्रतिक्रिया होगी। ये संसार आखिर चला तो इसको चलाने वाला तो कोई होगा ना। तो न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक साइंटिस्ट ने बहुत सोचा, अल्टीमेटली उन्होंने यही कहना पड़ा कि फर्स्ट मूवर, पहला इस संसार को गति देने वाला कौन होगा? गॉड होगा, क्योंकि और कोई तो हो नहीं सकता कि जो पहली बार आकर इसको मूव करे। मूव करने वाला तो कोई चाहिए, आरंभ करने वाला तो कोई चाहिए, आरंभ तो कभी हुआ होगा। ये प्रश्न खड़ा करता है न्यूटन का ला, और उन्होंने जितना उनको समझ में आया था उसके आधार से उन्होंने ये बता दिया। ठीक है, क्या कि परमात्मा जो है वो ही इसको आरंभ करने वाला होगा। मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकता। फिर भी इसे विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या अपना प्रश्न 921-0606 पर दे सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है।